jungle. मिर्जापुर छानवे ब्लॉक के कोलेपुर गांव में सोशल ऑडिट जांच टीम ने पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया। प्रधान जी से ग्रामीण द्वारा सवाल पूछा गया तो उत्तर देने से साफ मना कर दिया। यहां की जनता प्रधान से असंतुष्ट रही है। यहां के ग्रामीणों का कहना था कि इस गांव का जो भी कार्य होता है सब कागज पर ही हो जाता है। स्टार 7 टीवी न्यूज के कवरेज रिपोर्टर संतोष कुमार दुबे की रिपोर्ट। नमस्कार, स्टार 7 टीवी न्यूज के साथ संतोष कुमार दुबे। हम आइए आपको कोलेपुर ग्राम सभा में ले चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सोशल ऑडिट ग्राम सभा की बैठक की गई है, जहाँ पे अधिकारीगण आए हुए हैं। अधिकारीगण से हम कुछ जानना चाहेंगे कि यहाँ पे किस वजह से मीटिंग बैठाई गई है और उसके बारे में व्याख्या क्या करेंगे। क्या पूछ रहे हैं सवाल आप? सवाल ये है सर कि किस वजह से मीटिंग बैठाई गई है। हमारे यहाँ जो ये सोशल ऑडिट होती है, इसमें 2018-19 का ये जो है यहाँ ग्राम सभा में ये जो है 300 वर्ग है, 200 कच्ची नाली है और एक जो है इसमें इधर साइड रखी है, एक तालाब की खुदाई है, इसमें ये सिल्ट की सफाई है, यही हुआ है। इसी में जो है हमने देखा, मास्टर रोल चेक किए और लेबरों का जो है इसमें सत्यापन किया, जिसमें लेबर जो है इसमें ये धनगु थे और पार्वती देवी थी और मुन्नी देवी थी, श्रीधर थे, जय देवी थी और ननकी थी और सभी के घर में गया और उनका जो है मजदूरी पासबुक देखे, सभी का पेमेंट हुआ, सभी लोगों ने सत्यापन किया कि जो है हमको कोई भी मजदूरी हमारी बताया। प्रधान जी के नेतृत्व में आए हुए सभी यहाँ पे ग्राम सभा के लोग और अधिकारीगण से हमें सूचना मिली कि जितना भी अभी कार्य हुआ है एकदम सबका हिसाब फाइनल है, तो हम आइए कुछ जनता लोगों से भी आपको मिलाना चाहेंगे, इसके बारे में व्यक्त मिलेंगे वो क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे दादाजी? हमारे पास में नशा है, आपका नाम क्या है? धन्नू राम। धन्नू राम, धन्नू, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे माता जी? अच्छा अच्छा, धन्यवाद। आप अभी कुछ कह रही थी मैडम, आप क्या बताना चाहेंगी? हम तो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है और हमारे पास रास्ता भी नहीं है, रास्ते कोर्ट है, दीवार फाट गई है, इधर पानी जा रहा है, प्रधान भी गए हैं घर से देख के चले आए हैं। जी धन्यवाद, आइए हम प्रधान जी से आपको 2 मिनट अवगत कराएंगे और प्रधान जी कुछ आप लोगों को सरकार द्वारा 182 रुपया मजदूरी मिलता है भाई साहब, उसको कवर करिए आप। आइए नरेगा के, आइए मुलाकात कराते हैं और वो बताना चाहेंगे आप अपने बारे में क्या कर रही हैं। मैम बताइए, आप लोगों को सरकार के द्वारा 182 रुपया दिया जाता है, क्या आप उस मजदूरी से संतुष्ट हैं? नहीं है ना। आप लोगों को प्रतिदिन मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए बताइए? कम से कम 500 कुशल मजदूरी, 200 कम से कम, इनको 200 प्रतिदिन मजदूरी मिलनी चाहिए, जो कि इनको 182 रुपया मिल रहा है और कुशल लोगों को 300 मिलता है, जबकि यहाँ 600 रुपया मांग रहे हैं, जबकि ये महिला है ये 200 पे संतुष्ट हो रही है। लेकिन हर ग्राम सभा में हमने बैठक की है, सोशल ऑडिट टीम की तरफ से मैं शैलेंद्र कुमार इनके साथ हूँ। यहाँ 300 रुपए के नीचे कोई लेबर काम नहीं करना चाहता है, जिस तरीके से महंगाई है गवर्नमेंट के सामने, इनके सामने ये मजदूर है, ये 300 में पूरा इनका। आइए हम आपको एक व्यक्ति से और मुलाकात कर रखा है, शैलेंद्र कुमार बिन, आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं सोशल आर्ट की टीम की ओर से यहाँ पे हैं, यहाँ नरेगा के थ्रू जो इनको पेमेंट मिलता है 182 रुपए प्रतिदिन, इनके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 182 रुपए में इनका कभी भी इनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है। तो हमारी ये गुजारिश है, अगर आप सरकार की ओर से कहना चाहते हैं कि इनको प्रतिदिन कम से कम 300 रुपए मजदूरी होनी चाहिए और कुशल के लिए ये श्रम दिवस इनका जो 100 दिन है, क्योंकि 100 दिन काम करने के बाद इनके पास काम मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ रोजगार बेरोजगार बहुत है, हर गाँव में हमने देखा है 200 से ज़्यादा जॉब कार्ड रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सबको एक साथ काम नहीं मिल पा रहा है। जो भी जॉब कार्ड के थ्रू अपना गांव में काम करना चाहते हैं, ग्राम सभा में कम से कम जॉब कार्ड की संख्या बढ़ाई जाए
और इन्हें कम से कम 300 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से कुशल मजदूर और जो कुशल मजदूर है उनका 600 रुपया प्रतिदिन बनता है। कम से कम ये जो है इनको राशि मिलना चाहिए क्योंकि ये गरीब है और मजदूर है। थैंक यू कलन जी। कलन जी, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि कुछ जनता का शिकायत भी है कि हमें अभी तक आवास नहीं मिला इन सब प्रकोष्ठों में, इसमें हमें क्या करना है? जी धन्यवाद, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर गांव में एक साथ सभी को आवास नहीं दिया जा सकता, ये गवर्नमेंट भी जानती है। आवास का जो प्रोसेस है, जो प्रथम प्रायोरिटी है, जिसका बारिश में घर गिर गया हो या तो मतलब पूरी तरीके से वो बीपीएल हो, कोई आश्रय ना हो, उसको आवश्यक आवास की सबसे पहली प्रायोरिटी। धन्यवाद धन्यवाद सर। मैम आप आइए, सर एक मिनट। मैम आप क्या करना चाहते हैं? सर हम रोजगार सेवक हैं, कोलेपुर ग्राम पंचायत कोलेपुर से। रोजगार देते हैं, पूरी तरह से रोजगार नहीं दे पाते इन लोग को, मजदूरी सही 182 से नहीं हो पाता है। मैम इसके बारे में पूछ सकते हैं, इसके उसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, हम जाते हैं इनके पास काम कराने के लिए, बेहतर डालने के लिए कि आप जल्दी मेरे काम काम करिए। जब 182 नहीं हो पाता तो हमको दिक्कत होता है कि आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, कैसे नहीं मांग पत्र तैयार करते, हम लोग के ऊपर परेशानी होती है। चलिए थैंक यू मैम, ये जरूर आपसे सरकार के पास तक बात पहुंचेगी। स्टार 70 टीवी न्यूज के साथ संतोष कुमार दुबे।